दोस्तों सोनम जी कल सीढ़ियों से गिर गई थी, बहुत ज़्यादा पेट में चोट लग गया था, हम बहुत डर गए थे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम सोनम जी जिस कमरे में आए हैं उसी कमरे में हम लेकर जा रहे हैं, आप सभी से बैठ मिलाएंगे दोस्तों। और हॉस्पिटल में दोस्तों आग लग गया था दोस्तों, इसीलिए सारा धुआं धुआं सा दिख रहा है दोस्तों। और अलार्म जो चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आग लग गया था दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे सोनम ऋतिक ब्लॉग्स में। दोस्तों आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों देखिए, हम हॉस्पिटल में, जो कि कल सोनम जी का तबीयत बहुत ख़राब हो गया था दोस्तों, तो हम हॉस्पिटल में लेकर आए उनको। और ये देख लीजिए दोस्तों, हम अभी फील्ड में है दोस्तों, और हमारा बाबू को प्यास लगा था दोस्तों, हमारे साथ में बाबू, बड़ा वाला बेटा दोस्तों, जो कि पानी पीने के लिए दोस्तों यहाँ पे लेकर आए थे। यहाँ पे मशीन जो है ये बिजली हुई है दोस्तों, यहाँ पे पानी जो है बहुत गर्म है। और दोस्तों इधर देख लीजिए दोस्तों, हम फील्ड में हैं, जो भी मरीज जितने भी है दोस्तों, यहाँ पे एक ग्राउंड में दोस्तों टहल रहे हैं, जो कि शाम का टाइम हो गया दोस्तों, अंधेरा होने वाला है। और आप लोग देख सकते हैं लाइट जल रहा है, तो लाइट के सामने हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों। और कल हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि सोनम जी का ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था दोस्तों, इसीलिए हम वीडियो नहीं बना पाए कल। और दोस्तों सोनम जी कल सीढ़ियों से गिर गई थी, बहुत ज़्यादा पेट में चोट लग गया था, हम बहुत डर गए थे दोस्तों, क्योंकि प्रेग्नेंट थी वो, और हम इस बात को लेकर के बहुत डर गए थे हम दोस्तों। उनके पेट में ज़्यादा दर्द हो रहा था, इसीलिए उल्टी हो रहा था, तो कपड़ा सारा ख़राब हो गया था। तो हम घर पर गए दोपहर में, कपड़ा लेकर आया दोस्तों, तो उनका कपड़ा चेंज कर दिए हैं। और दोस्तों हॉस्पिटल में ज़्यादा मतलब देखकर पब्लिक को घबरा रही है, बहुत टेंशन कर रही है दोस्तों, तो हम अब मतलब डॉक्टर बोल दिए रूम पर जाने के लिए लेकर। तो और देखिए दोस्तों, शाम हो गया है और लाइट के सामने अंधेरा हो गया दोस्तों। इधर जितने भी सारे मरीज हैं दोस्तों, इधर इस ग्राउंड में इधर टहल रहे हैं, इधर सब टहल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इधर काफ़ी अंधेरा अब होने वाला है दोस्तों। सारे मरीज जो हैं, जितने भी मरीज थे इसमें घूम रहे हैं दोस्तों, और सोनम जी अंदर। और दोस्तों हमारे बाबू को प्यास लगा था, इसीलिए हम इसको लेकर आए थे यहाँ पे पानी पिलाने के लिए दोस्तों। सीन है दोस्तों, बिगड़ा हुआ है, बिगड़ चुका है दोस्तों, पानी नहीं आ रहा है, और उस ड्रम में आ रहा है, तो दोस्तों उसमें गर्म पानी आ रहा है, इसीलिए नहीं पिला रहे हैं। तो दोस्तों हम अब चलते हैं सोनम जी के पास में, कमरा में भर्ती हैं, जिस कमरे में भर्ती हैं उसी कमरे में आप लेकर चलते हैं दोस्तों। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, हम सोनम के जिस कमरे में आए हैं उसी कमरे में हम लेकर जा रहे हैं, आप सभी से बैठ मिलाएंगे दोस्तों। और हॉस्पिटल में दोस्तों आग लग गया था दोस्तों, इसीलिए सारा धुआं धुआं सा दिख रहा है दोस्तों। और अलार्म जो चल रहा है दोस्तों, क्योंकि आग लग गया था दोस्तों, आप सभी को दिखाते हैं। कि सारे नर्स लोग मिलकर आग को बुझा दिए हैं। तो दोस्तों देखिए, हम आ गए सोनम जी के पास में दोस्तों, अभी छुट्टी हो गया मतलब हम लोग का, तो हम लेकर इनको रूम पे चलेंगे दोस्तों। और देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे उल्टी हुई है बेड पे दोस्तों, और हमारे दोनों बाबू यहाँ पे हैं। बाबू खड़ो इधर, बहुत घबरा रही थी, इसीलिए हम डॉक्टर से मतलब बोले, तो डॉक्टर ने छुट्टी दे दिए हैं जाने के लिए, घर पे लेकर जाने। यहाँ पे सोनम जी लेटी हुई हैं, पूछते हैं इनका तबीयत कैसा है पहले से। सोनम, तबीयत तुम्हारा कैसा है? दोस्तों अभी बता रही हैं तबीयत इनका जो पहले से बेहतर है, बढ़िया है, घर पे जाने के लिए, तो हम छुट्टी लेकर आ गए हैं, अब घर पे जा सकते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया दोस्तों हम लोग को घर पे जाने के लिए। तो अब सोनम जी को लेकर चलते हैं घर पे। तो दोस्तों चलिए उठा रहे हैं सोनम जी को, क्योंकि तबीयत इनका अभी, चप्पल घुमा, चप्पल नीचे है, चप्पल पर। और दोस्तों देखिए, इधर कुछ मरीज इधर भर्ती हैं, और दोस्तों सोनम जी बहुत घबरा रही थी, इसीलिए हम लेकर घर पे जा रहे हैं। डॉक्टर से बोले दो तीन बार पूछने के बाद दोस्तों, डॉक्टर बोले घर पे जाने के लिए लेकर। तो दोस्तों अब हम लोग चलते हैं, छुट्टी हो गया है, घर पे लेकर चलते हैं सोनम जी को। चलिए, चप्पल पहन लीजिए,
आयुष आयुष चलो। दोस्तों अभी इनको थोड़ा बुखार है इसलिए ठंड लग रही है दोस्तों, और अभी यहाँ से जाने के बाद मेडिकल पे दवा लेना है दोस्तों जो डॉक्टर ने लिखा है, तो हम लोग चलते हैं बाहर। तो दोस्तों अंधेरा हो गया है, अब चल के देखते हैं टेम्पू ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता है, क्योंकि रात हो गया दोस्तों। हम लोग का यहाँ पे रूम है दोस्तों, थोड़ा टापू एरिया है, मतलब गाड़ी बहुत कम जाती है उधर, ज़्यादा रात हो जाता है तो गाड़ी नहीं मिलती है। तो दोस्तों कल हम लोग बहुत परेशान हो गए थे क्योंकि सोनम जी के पेट में सीढ़ी पे मैं बहुत समझा रहा था सोनम जी को ऊपर जाने के लिए, मना कर रहा था दोस्तों ये ज़बरदस्ती ऊपर चढ़ी, और सीढ़ी जो सीढ़ी था दोस्तों ना बहुत कमज़ोर था, बहुत पुराना सीढ़ी था, और मतलब पानी बरसात में ना भीग कर मतलब ख़राब हो चुका था। मैं इसीलिए मना कर रहा था सोनम जी को ऊपर जाने के लिए, फिर भी ऊपर चढ़ गई, इसीलिए टूट गया दोस्तों और पेट में ज़्यादा चोट लग गया था। अब हम लोग गेट से बाहर आ गए हैं दोस्तों, अब हम लोग घर पे जा रहे हैं, और सोनम को बहुत घबराहट हो रही थी दोस्तों, तो आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ में है, थोड़ा अभी भी मतलब उतना पूरा बढ़िया से नहीं हुआ है तबीयत। तो दोस्तों अब लेकर चलते हैं और ऑटो स्टैंड पे देखते हैं ऑटो मिलता है कि नहीं, क्योंकि रात हो गया है, बहुत ज़्यादा रात हो गया दोस्तों, 8 बजने वाला है फ्रेंड। तो दोस्तों हम घर अस्पताल से बाहर आ रहे थे तो सोनम जी को नहीं चल जा रहा था अभी, क्योंकि बहुत कमज़ोरी महसूस हो रहा है। और दोस्तों हम कल वीडियो इसलिए नहीं बना पाए क्योंकि कल पूरा दिन सोनम जी के साथ में थे दोस्तों, और डॉक्टर ने जो रिपोर्ट जांच लिख रहे थे वो कराने के लिए दोस्तों, उसी में हम बिजी थे कल, परेशान थे उसी में, और दोस्तों इसीलिए कल वीडियो नहीं बना पाए, और आज हम वीडियो बना रहे हैं। तो आज पूरा दिन हमको टाइम नहीं मिला वीडियो बनाने के लिए क्योंकि सोनम जी का तबीयत ख़राब था, उसी में व्यस्त थे दोस्तों इसीलिए। और दोस्तों हम सोचे कि अब वीडियो बना दें क्योंकि सोनम जी का तबीयत पहले से अच्छा है दोस्तों, बस कमज़ोरी महसूस हो रहा है, और दोस्तों बुखार है थोड़ा। और दोस्तों हम लोग को छुट्टी मिल गया, अब घर जा रहे हैं, इसीलिए हम सोच रहे थे कि आप सभी को बता दें इनका तबीयत पहले से बढ़िया है दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं। तो दोस्तों अपना इसी तरह से आप लोग प्यार आशीर्वाद अपना दीजिए ताकि हम लोग बढ़िया से रहें और अच्छे से रहें दोस्तों, बस आप लोग का प्यार का ज़रूरत है आशीर्वाद। आप लोग ऐसे ही दुआ करिए कि हमारी सोनम जी का जो पेट में चोट लगा है दोस्तों अच्छा हो जाए, बढ़िया हो जाए, मैं यही चाहता हूँ। घर पे चलते हैं और आप सब बोलता हूँ क्योंकि रात हो गया दोस्तों, 8 बज गया है, अब चलते हैं टेम्पू ऑटो स्टैंड पे, देखते हैं ऑटो स्टैंड पे हम लोग को ऑटो मिलता है कि नहीं मिलता। और देखिए दोस्तों सोनम जी वहाँ पे बैठी हुई हैं, अब उनको उठाते हैं और लेकर चलते हैं। चलो तो दोस्तों आप लोग इसी तरह से अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा ताकि सोनम जी हमारी पहले से अच्छी हो जाए। तो दोस्तों आप लोग अपना आशीर्वाद प्यार इसी तरह बनाए रखिएगा ताकि हमारी सोनम जी जल्दी से ठीक हो जाए और पहले जैसी हो जाए, और उनको ज़्यादा कमज़ोरी हो गया दोस्तों, तो हम लेकर चलते हैं और ऑटो स्टैंड पे आप लोग हम